Guys, what's up? This is Mayank and you are watching your favorite channel BreadFit. आज का टॉपिक है कि आप होल डे में कितने अंडे खा सकते हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. कीप वॉचिंग. So, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड बटन को जल्दी से दबाइए एंड जोर से घंटा बजाइए. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आप होल डे में कितने अंडे खा सकते हैं. तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि आप जितने चाहे उतने एग्स खा सकते हैं, बट एग वाइट्स, नॉट द योक पार्ट गाइस. ज़्यादातर योक पार्ट की वजह से ही हमारे बॉडी में जो भी हीट पैदा होती है वो योक की वजह से होती है. एंड आप जानते हैं कि आप जब आपके बॉडी में ज़्यादा हीट पैदा होती है, आपका पेट गर्म होता है, एंड पेट गर्म के कॉन्सिक्वेंसेस यू कैन नो बेटर देन मी. सो योक पार्ट इज द मोस्ट अफेक्टिव पार्ट इन द एग्स. सो आप योक निकाल के आप एग वाइट्स होल डे में जितने खा सकते हैं आप खाइए. इनफैक्ट मैं खुद 20 एग वाइट्स होल डे में खाता हूँ. सो इट डजंट गिव एनी इफेक्ट और डजंट हार्म योर बॉडी एट ऑल. Egg whites are the best and cheapest source of protein available in the market, guys. And आप बिना बेफिक्र होके खाइए. बात करते हैं कि योग क्यों नहीं खाना चाहिए. गाइज, योग में काफ़ी अमाउंट में अनसेचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. नाउ व्हाट सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट्स आर द मोस्ट बैड फैट, यू कैन से बैड फैट इन आवर फैट कोर्स. वो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफ़ी स्पाइक करता है. एंड ज़्यादा अगर आप 10% से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट अपने डाइट में रखते हैं तो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ती जाएगी. एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना मीन्स एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होना, एंड विच लीड्स टू हार्ट अटैक्स एंड मेनी मोर हार्ट डिजीजेस. सो गाइज, इसके लिए हम बोलते हैं कि योग्स नहीं खाना चाहिए, बट इट इज़ नेसेसरी टू हैव सैचुरेटेड फैट इन आवर डाइट, बट इन अ गुड अमाउंट, बट इन अ वेरी लेस अमाउंट, लाइक जस्ट अबाउट 10%, नॉट मोर देन डैट. 10% एज इन 10% ऑफ द होल डे कैलोरीज, नॉट मोर देन डैट. अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं तो 10% उसका सिर्फ 20 ग्राम्स होगा. अगर आप 20 ग्राम से भी कम ले रहे हैं तो भी अच्छा है. तो आपके आप अगर एक होल एग खा रहे हैं, यानी कि एक होल एग जिसमें योक भी है एंड वाइट भी है, तो एक योक में सिर्फ योक में होता है 5 ग्राम्स ऑफ फैट्स, एंड दैट इज प्योर सैचुरेटेड फैट्स. इसके लिए आप एक या दो होल एग ही खाइए, उससे ज़्यादा इंटेक ना कीजिए. वरना आप बाकी जब जो भी आपकी फूडिंग में डाइट में सैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी, जो एग योक्स को ऐड करने के बाद वो बढ़ती जाएगी, यानी कि 10% आप एक्सीड कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगी. सो दैट्स इट गाइस. ये एक मिथ है कि आप होल डे में कम अंडे खा सकते हैं. आप जितने चाहे उतने अंडे खाइए एंड बेफिक्र होकर खाइए, एंड प्रोटीन इंटेक ज़्यादा बढ़ाइए अपनी बॉडी के, बिकॉज आज के डेट में हमारे बॉडी में प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है. सो आज के लिए इतना ही. दिस इज मायंक, टेक केयर, साइनिंग ऑफ.